नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू का दुख देखा नहीं जा रहा, ये बातें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जा रही है। इतना ही नहीं, कई पार्टी की तरफ से जगदानंद सिंह को ऑफर भी आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से जगदानंद सिंह को बेइज्जत किया गया, जिस तरह से उनके लिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर अब कई पार्टियों की तरफ से जगदानंद सिंह को ऑफर आने लगे। लेकिन बीती रात आरजेडी के भीतर खाने जो कुछ भी घमासान देखने को मिला, जिस तरह से जगदानंद सिंह ने एक झटके में ही अब जेडीयू इस पूरे मसले को लेकर चुटकी लेते हुई नजर आ रही है। जेडीयू का कहना है कि आप अपने अपमान को कब तक बर्दाश्त कीजिएगा, कब तक आप अपना अपमान करवाते रहिएगा, क्योंकि अब तो आपको संविधान का आईना भी दिखाया जा रहा है, प्रवासी सलाहकार कहा जा रहा है और कई तरह की बातें अब कही जा रही है, लेकिन आप अभी भी पार्टी में बरकरार है। लेकिन इस सबके बीच जगदा बाबू की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरी और लार्जर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम दोनों की दोस्ती को तोड़वा दे। बीते कई साल से मैं और लालू प्रसाद यादव एक साथ हैं, एक मत के साथ हम लोग आरजेडी में काम कर रहे हैं, आरजेडी को आगे ले जा रहे हैं, और ऐसे में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती को तोड़वा दे। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगदानंद सिंह किस ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, जिस तरह से उन्होंने हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसे में जगदा बाबू इशारों ही इशारों में तेज प्रताप यादव को जवाब दे रहे हैं कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती तोड़वा दे। लेकिन इस सबके बीच दूसरे दल के नेता अब इन तमाम मसले को लेकर चुटकी ले रहे हैं और मजे लूट रहे हैं, क्योंकि आरजेडी में बीती रात जो कुछ भी देखने को मिला, उससे अब बिहार की सियासत में हलचल मच गया है। जहां बीते 10 दिनों से जगदा बाबू ने चुप्पी साध ली थी, वो पार्टी कार्यालय भी आना छोड़ दिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीती रात सीधे सीधे आकाश यादव को ही हटा दिया और उसकी जगह गगन यादव को दे दिया। ऐसे में जगदानंद सिंह ने ये बड़ा कदम तेज प्रताप के खिलाफ उठाया, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी तेज प्रताप यादव बीते कई दिनों से कर रहे थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन इस सब का पलटवार जगदा बाबू ने इस तरह दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिटलर शाही करना पीएम मोदी जानते हैं, मैं और लालू प्रसाद यादव तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, ऐसे में कोई मुझे हिटलर कहे ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में तेज प्रताप यादव के लिए ही थी। लेकिन बीती रात तेज प्रताप यादव भी चुप बैठने वालों में से कहां थे। उन्होंने संविधान का आईना जगदा बाबू को दिखाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना नोटिस के पार्टी से किसी को हटा दिया जाए। तो ये घमासान और जो कुछ भी आरजेडी के भीतर खाने हो रहा है, उसका मजा अब जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और कई बड़ी पार्टियां ले रही हैं, क्योंकि आरजेडी में इस वक्त फूट देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि कई तरह की बातें कही जा रही हैं, जगदा बाबू को ऑफर दिए जा रहे हैं, और ये तमाम जो घमासान मचा हुआ है वो बीती रात हुआ और उसके बाद से ही बिहार की सियासत पूरी तरह से डगमगाई हुई नजर आ रही है, आरजेडी डगमगाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आगे आरजेडी में और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।